सऊदी क़यादत ने बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। क्राउन प्रिंस मेरे भाई मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरन कबूल किया। मुश्किल मौशी हालात के बायस आर्मी फंड का सहारा लिया। वज़ीर आज़म का पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी में इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा रोने धोने से कभी मुल्क खुशहाल नहीं हुए। पाकिस्तान ज़रूर अपने पाँव पर खड़ा होगा, खुशहाली आएगी, ज़रात पाकिस्तान की मईशत को बदल कर रख देगी। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल तकिया नहीं करेंगे, खुद इनसारी की जानब बढ़ेंगे। मरियम औरंगजेब का ऐलान, कहा हम सिर्फ नारे नहीं लगाते काम भी करते हैं। 4 साल दावे किए गए, पिछला वजीर आजम कहता था रोना और घबराना नहीं, मौजूदा वजीर आजम कहते हैं सोना नहीं है, बस काम काम और काम। वो साजिश बाजवा से शुरू हुई, मोहसिन नकवी पर खत्म हो गई। मईशत का पहिया घूम गया, रुपया ऊपर डॉलर नीचे आ गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपए 23 पैसे की कमी। डॉलर 278.57 रुपए पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर 281 रुपए की बलन सतह तक ट्रेड हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 665 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,000 तक तजावज कर गया। मार्केट 570 पॉइंट्स पर बंद हुई। मुल्क भर में पीपुल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरेगी। बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम होंगे। मुराद अली शाह कहते हैं निगरान सेटअप का फैसला मुशावरत से होगा। सिंध में आइन के तहत 2 माह में इंतखाबात होंगे। शर्जील मेमन ने कहा MQM और जमात इस्लामी तलखी छोड़ दें, पीपल्स पार्टी इलेक्शन वाले दिन मुकाबला करेगी। कराची सबका है, मिलकर बेहतरी के लिए काम करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस, परवेज इलाही की मुश्किलात में कमी होने लगी। बैंकिंग कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। जेल सहूलियात केस में IG, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और महकमे दाखिला की सहूलियात फरामी की यकीन दहानी। लाहौर हाई कोर्ट के अफसरान के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी। जाली बैंक अकाउंट केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर खादर की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 17 जुलाई तक गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म। दोनों मुकदमात में अलग अलग मचल के जमा कराने का भी हुक्म। हैदराबाद में गवारा गर्दी, दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए का इजाफा। दूध फरोशों ने 15 जुलाई से कीमत में 20 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। शहर में दूध अब 220 रुपए फी किलो मिलेगा। मनमानी पर इंतजामिया ने चुप साध ली। कराची मलीर सिटी में पेट्रोल पंप पर डकैती, डाकू 24,65,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज पर। मुलजमान ने निजी कंपनी के मुलाजिम का ताकुब किया। मुलाजिम रिकवरी की रकम बैंक में जमा कराने जा रहा था। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड तारीख मुनाफा, 2023 के 9 माह में तकरीबन 24 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूँ बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।